हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा स्टॉक है लेकिन जबरदस्त स्टॉक और काफी सही प्राइसिंग पे आपको मिल रहा है। जबरदस्त की तो बात साइड रखिए, क्वार्टर थ्री के नतीजे आपको बता देंगे बाकी सब कुछ, लेकिन 114 रुपए का शेयर है। अगर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो बिल्कुल ब्रेकआउट के पास है और मौका है इन्वेस्टमेंट का। और साथ में क्वार्टर थ्री के नतीजे जो आए हैं वो सोने पे सुहागा वाली बात है। और दूसरी चीज, ये सब साइड में रख दीजिए, एक और इंपॉर्टेंट खबर इसमें है, इसकी एक सब्सिडरी का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ में आपको मदद मिलेगी, आप जाओगे शेयर होल्डर कैटेगरी में। जैसे कि आपने देखा था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का आईपीओ आया था और उसी तरीके से जो पेरेंट कंपनी उसकी कौन सी थी, उज्जीवन वाली जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है वो मेन उसकी कंपनी थी। और सिमिलर वे पे ये स्टॉक भी है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड, और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, उसका आईपीओ भी आने वाला है। छोटा शेयर जरूर है, 3874 करोड़ का, यानी कि 3874 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक का पी जो है वो 17-18 के आसपास है। फाइनेंशियल कंपनी है, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पिछले कुछ टाइम से मुझे दिख नहीं रहा था। ये देखिए आप इन नंबर्स को, मतलब प्रॉफिट अच्छा था 2018 में, तो प्रॉफिट में गिरावट आई और फिर धीरे धीरे करके फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस क्वार्टर पे काफी कुछ डिपेंड था और वो नतीजे अभी आए हैं, हम देखते हैं उन नतीजों को। पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इक्विटास होल्डिंग्स ज्यादा टाइम इसको मार्केट में आए हुए है हुआ नहीं है, और जिस तरीके से जब ये मार्केट में आया था तो काफी ऊपर था और आज की डेट में काफी करेक्शन के बाद काफी सस्ते लेवल पे आपको मिल रहा है इक्विटास। आज की डेट में मार्केट में पूरी गिरावट रही, आपने देखा होगा कि सेंसेक्स ऑलमोस्ट 284 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ, लेकिन ये स्टॉक अपनी एक पॉजिटिविटी बनाई और इवन क्लोजिंग जो हुई है 113.45 पे क्लोजिंग हुई और उसके बाद की प्राइसिंग 114.85 है। कल की डेट में अपर सर्किट बिल्कुल लग सकता है क्योंकि ऐसा रिजल्ट आया है। इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के पहले रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट आया कब? रिजल्ट जो आया है वो 5 बजे के आसपास आया है, यानी कि मार्केट क्लोज हो चुकी थी। कल की मार्केट जो ओपन होगी 31 जनवरी की, तो सीधे सीधे असर आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट कैसा रहा पहले वो देखिए, यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। दूसरी चीज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इसका सब्सिडियरी है उसका आईपीओ आने वाला है बहुत जल्द, और जब डेट्स आएगी तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं रेवेन्यू से स्टार्ट करता हूँ, कैसे नंबर से, क्या इंप्रेसिव नंबर से, फिर टेक्निकल पे मूव करेंगे, वहाँ पे काफ़ी लर्निंग हमें देखने को मिलेगी। ये देखिए 760 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है, ये नंबर लैक्स में है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें इस रिजल्ट में सारा कुछ इसका इंक्लूडेड है, इवन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ जाता है अंदर ही। 760 करोड़ का रेवेन्यू, आपने देखा कितना छोटा शेयर था, लास्ट ईयर दिसंबर में 613 करोड़ का रेवेन्यू था। क्लियर कट आप देख पा रहे हो, क्लियर कट कितना, 147 करोड़ का जंप आप रिवेन्यू में देख पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, मैं कहूंगा बेहतरीन। लेकिन एक्सपेंसेस भी होते हैं भाई, एक्सपेंसेस के बाद हमारा क्या नंबर निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद निकालते हैं। तो देखिए पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं फिर आफ्टर टैक्स देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मैं देख पा रहा हूं नंबर्स को, 84 करोड़ का, क्योंकि ये नंबर लैक्स में है, 84 करोड़ से इस बार कितना आ गया, ऑलमोस्ट 98 करोड़, मतलब 14 करोड़ का जंप आपको यहां पे देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो टैक्स की वजह के बाद, टैक्स के बाद देखते हैं कितने नंबर से, टैक्स के बाद जो नंबर से 53 करोड़ से ऑलमोस्ट 80 करोड़ के आसपास है। तो कितना जंप है, क्लियर कट देखिए आप कितना जंप है, 53 करोड़ से 80 करोड़, मतलब 26 करोड़ के आसपास का जंप ये, 26 से 27 करोड़ के आसपास का जंप ये है। नंबर्स अच्छे हैं, अगर आप हिसाब किताब लगाओगे 52 करोड़ का, मतलब 50% के आसपास, इस मोर देन 50% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, क्लियर कट। यही नहीं, अब हम अर्निंग पर शेयर की तरफ जाते हैं। अर्निंग पर शेयर को देखिए, जो 1.57 था वो 2.25 देखने को मिल रहा है। चलिए ये तो सब ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे स्टॉक के इक्विटास की, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो बात हो रही है। देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पोस्ट एडवांसेस ग्रोथ कितना, 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव बाय 280 बेसिस पॉइंट, कितना, 66.24%। पैट जो है वो 51% जंप हुआ है एट ₹94 करोड़। ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात चल रही है यहाँ पे, देखिए डिटेल में अब की हाइलाइट्स आप देख सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटास बहुत ही जबरदस्त, देखिए अलग अलग तरीके से इसमें डिटेल देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका आईपीओ आने वाला है, नंबर्स अलग से दे रखे हैं, बिल्कुल बता रखा है नंबर्स यहाँ पे। डिसबर्समेंट 36% बढ़ी है, एडवांसेस 37% बढ़े हैं, माइक्रो फाइनेंस स्टैंड्स एट 24% ऑफ टोटल एडवांसेस, 75% ऑफ ओवरऑल एडवांसेस इज सिक्योर्ड लोन, ये भी अच्छी बात है भाई, आप देख सकते हो क्लियर कट।
अब ये सारी चीजें इसलिए दिया जा रहा है यहाँ पे। अब भाई आने वाले टाइम पे आईपीओ आने वाला है, तो भाई आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में फायदा मिल सकता है। यहाँ पे फिलहाल इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं डिटेल देखूँ, आज की डेट की डिटेल देख ली, अब टेक्निकल देखिए और समझिए। जब ये अभी मैं आपको मंथली चार्ट से स्टार्ट करूंगा, मंथली चार्ट जब मार्केट में आया था तो 137-138 के आसपास देखिए बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे इस लेवल तक गया था, वहां से जंप भी आया स्टॉक में। ये देखिए आप 109-110 का प्राइस इसका सेट था जब आईपीओ आया था। क्लियर कट मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप समझो कि भाई जब आईपीओ आया था तब कितने का था, ऊपर तो नहीं चला गया था। और ये देखिए 109 से 110 रुपये, मतलब अभी आईपीओ की प्राइस से हल्का सा ऊपर है। दूसरी चीज, 17 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था नो डाउट, और जब ओपन हुआ था आईपीओ तो 144 पे ओपन हुआ था, 144 का लेवल, बहुत ही बढ़िया लेवल, मतलब अच्छे नंबर्स दिखाए थे इसने आईपीओ के टाइम पे। देखिए ये आईपीओ के नंबर्स आप देख सकते हो फाइनेंशियल डिटेल्स में, उसके बाद देखिए अच्छे नंबर्स दिखाए थे तभी इतना जबरदस्त आईपीओ यहां पे देखने को मिला था। अब देखिए फिलहाल स्टॉक में गिरावट जरूर है, लेकिन अब देखिए ये बात वो है, देखिए जब आईपीओ आया था 135-140 पे, लेकिन हाई किसने बनाया, 200 के लेवल का हाई बना दिया, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये हाई बना गया। लेकिन उसके बाद करेक्शन होता होता शेयर 80 रुपए के लेवल तक आया है। अब मजबूती दिख रही है शेयर में, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा है नो डाउट। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और डिटेल में देखते हैं कि भाई हमारा सपोर्ट एंड ऑल कहाँ कहाँ पे चीजें पड़ी हुई है उनको देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टॉक में, मैं आपको बार बार जब मैं फंडामेंटल्स बताने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकल्स बताने की कोशिश करता हूँ, बेसिक मैं कहूँगा टेक्निकल आपको जरूर पता होना चाहिए और समझना जरूर चाहिए। अब स्विंग ट्रेडिंग वाले क्या देखते हैं, ये वीकली चार्ट है, इस वीक में आपका ये ज्वाइंट बना, आपने स्विंग ट्रेड कर लिया, लेकिन स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना है डिलीवरी स्विंग वाले। अभी देखिए यहाँ पे एक मेजर लाइन जब इसने स्टार्टिंग ही करी थी अपनी 135 से 140 का जो रेंज है वो मेजर रेंज है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। स्टॉक ने एक बार दो बार दो तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते ये सपोर्ट वीक होता गया। आपने देखा होगा यहाँ पे फरवरी 2018 में थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद फिर उसी रेंज में आया, देखिए सपोर्ट वीक होता रहा, और एक बार ये सपोर्ट जब टूटा तो उसके बाद आप देख सकते हो बड़ी लाल कैंडल से ये सपोर्ट टूटा और शेयर बिल्कुल निचले लेवल, यानी कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 80s की रेंज में चला गया ये सपोर्ट टूटने के बाद। और जैसा कि आपको पता है भाई सपोर्ट टूटा है, फिर से रैली की कोशिश करी, फिर से सपोर्ट, ये वाला भी सपोर्ट टूट गया और नीचे 82 पे चला गया। अब देखिए मजबूती दिख रही है शेयर में, रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से कल की डेट में शेयर में जंप आ सकता है। और मुझे लगता है कि आपको पहला बॉटल नेक तो ये वाला हाई पॉइंट था, ये वाला हाई पॉइंट जो कि ऑलरेडी 113 का ये पार कर चुका है। दूसरा बॉटल नेक जो मेन लाइन है वो ये वीक जो 9 सितंबर 2019 वाला वीक था, इसके हाई को पार कर दे, फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ इस स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिविटी अब आ चुकी है। अब ये देखिए ब्रेकआउट की रेंज में इसको कहूंगा, क्योंकि अब मैं आपको लेके चलता हूं डेली चार्ट पे, इससे मुझे और पिक्चर क्लियर होगी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस शेयर ने इस टाइम पे अपना जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है उसको पार कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी स्टॉक में अगर आप लॉन्ग हो रहे हो, उसको बाय कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो यहां पे आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन पार हो जाए तभी आप उसमें खरीदारी करो, तभी बढ़िया है। और आप देख पा रहे हो यहां पे ये जो ब्रेकआउट रेंज था जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे दिसंबर वाला, ये ऑलरेडी पार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। और जिस तरीके से लास्ट आज की कैंडल देखने को मिल रही है, यहाँ पे बायर्स ने ऊपर को धकेला है, देखिए लंबी लोअर शेडो मीन्स बायर ने ऊपर को धकेला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट रेंज जो मैं कहूंगा, इन चार कैंडलों को अगर मैं स्टार्टिंग ड्रॉ करूँ तो मुझे दिखता है ऑलमोस्ट 117, मैं कहूंगा 118 के लेवल को, 118 का लेवल, यानी कि करंट प्राइस से 4 रुपये ऊपर है। ये पार होते ही आप फ्राइडे को जब कल ये स्टॉक ट्रेड होगा तो पहले आवर में ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। अगर 118 का ये लेवल पार हो जाता है तो मतलब एक बड़ा उछाल, और अगला टारगेट जो है वो 129-130 के लेवल तक जा रहा है, क्योंकि ये वाला लेवल फिर है। फिर ये मान के चलिए कि इस स्टॉक में जो है ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है, और साथ के साथ ट्रेंड रिवर्सल के साथ साथ मैं कहूंगा कि इस स्टॉक में एक पॉजिटिविटी और साथ में गोल्डन क्रॉसओवर की तरफ ये स्टॉक मूव कर रहा है। एक अच्छी बात होगी कि गोल्डन क्रॉस इसमें देखने को मिले, और बहुत टाइम से ये शेयर लटका हुआ है तो एक मजबूती देखने को, देखिए रिजल्ट ने मजबूती दिखा दी है, बाकी अब काम जो है बायर्स एंड सेलर्स का है कि वो किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। वो आज की डेट में आपने देखा कि क्लोजिंग प्राइस के से ऊपर ही पहले ही शेयर देखिए जंप करता हुआ दिख रहा है। कहां से, ये देखिए क्लोजिंग प्राइस 113 था और लास्ट प्राइस देखिए 114.85 आपको देखने को मिल रहा है, ये ऑलरेडी आपने समझ लिया। और साथ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या अलग अलग टाइम फ्रेम है, इवन मैं आवरली टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूं तो आप यहां पे भी देख सकते हो ये वो ब्रेकआउट का लेवल था, और ब्रेकआउट के आसपास कंसोलिडेशन होना अच्छी बात होती है। अब
स्टॉक ऑलरेडी अगले ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, जो ऊपर वीकली का ब्रेकआउट जो मैंने आपको दिखाया उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो भाई अच्छा रिजल्ट है तो मूव करेगा ही करेगा। अब आवरली चार्ट में देख सकते हो कि किस तरीके से ये बॉटम बना, उसके बाद ये एक पॉजिटिव सेगमेंट स्टॉक में देखने को मिला। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा स्टॉक आईपीओ आने वाला है इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।